हेलो रोमन, मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में सुना, सुन के बड़ा अफसोस हुआ। ये सिर्फ तकदीर है या हालात या नामुराद बदकिस्मती के हमारे रास्ते फिर से एक बार टकराने वाले हैं। चलो रोमन, ये अपने फितरत से नहीं अपने जुनून से मिलके इस मसले को सुलझाते हैं। आगे बढ़ने के लिए रोमन ने क्या कहा? काफी कुछ। अपने आदमियों को काम सौंपाओ। कितने आदमी? कितने हैं तुम्हारे पास? ये सब सिर्फ एक कुत्ते के लिए? वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो रोमन का कुत्ता है। हेलो रोमन। हेलो एलन। शोर की शिकायत? हाँ कुछ ऐसे ही। रोमन तुम फिर से काम शुरू कर दिए? नहीं, बस कुछ सामान समेट रहा था। ठीक है, तब मैं चलता हूँ। गुड नाइट एलन। गुड नाइट रोमन। ये सब बस एक कुत्ते के लिए? रोमन बोल रहा हूँ। हाँ रोमन स्मिथ, मुझे 8 आदमियों के लिए सर्विस चाहिए, जल्दी। हेलो मिस्टर रोमन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो माइक, मैंने सुना था कि तुमने ये सब पीछे छोड़ दिया। क्या हम फिर से मिलने वाले हैं?
लगता तो ऐसे ही है। ठीक है रोमन, गुड बाय। गुड बाय माइक। डेविड, वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। उन लोग को फोन करके कोई फायदा नहीं, वो लोग अब तक मर चुके होंगे। बेशक उसने ऐसा किया। रोमन की सुपारी दे दो। कितने की? 2 करोड़ की। लियोल द वुल्फ विद द हैन। हिंदी में बोलो डेविड प्लीज। मेरे बेटे को सीक्रेट हाउस में रख दो और फिर इंतज़ार करो। किसका? रोमन का इंतज़ार करो बेशक। जोनास चलो। हटा अपना हाथ। तुम्हें क्या लगता है मैं रोमन को डरता हूँ? बेशक हमें डरना चाहिए, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। सुन बे कुत्ते, मेरे बाप के टुकड़े में पलने वाले, एक ना एक दिन मैं रोमन को मारूंगा, देख लेना। ठीक है देख लेंगे, पर फिलहाल तुम सीक्रेट हाउस के लिए चलो। सुन बे कुत्ते, मेरे बाप को बोल देना, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। सुन, रोमन मेरे हाथों मारेगा, देख लेना। तुम 8 आदमी के लेके रोमन को मारने के लिए गए तो वहाँ पर क्या हुआ? रोमन पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, हम 8 आदमी उसके करीब भी जा नहीं पाए। कोई बात नहीं, तुम अपना घर जाओ। एलेक्स, मेरे बेटे को सीक्रेट हाउस में रख दिए? जी सर, मैंने रख दिया। लाल, रोमन का कमजोरी क्या है? मुझे नहीं लगता कि रोमन की कोई कमजोरी है। मुझे लगता है आप उसे बुलाना चाहिए। डेविड, आप किसकी बात कर रहे हैं? मार्क। क्या, वो जिंदा है? कहाँ पे है? फिलहाल वो एक ही जगह पे होगा। मार्क, मार्क, कौन है तू? यहाँ क्यों आए हो बताओ? मार्क, मुझे तुमसे बात करना Alex, है। अलेक्स, तुम यहाँ क्यों आए? छुपने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह चुना है तुमने। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ऐसा बात बाद में करेंगे, फिलहाल डेविड ने बुलाया है, उसके पास चलो। डेविड को मुझसे क्या काम है? ये मामला रोमन का है। हेलो, मैं रोमन बोल रहा हूँ। कोड नंबर 512-6161। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। क्या सीक्रेट हाउस अपना काम अब तक कर रहा है? बेशक, और आगे काम करता भी रहेगा। आप लोगों के लिए सीक्रेट हाउस का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। लगता है आप किसी को ढूंढ रहे हो। सही कहा। क्या आपके आने का उन सबको खबर कर दूं? नहीं, अभी किसी को कुछ मत बताना। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। रोमन स्मिथ। क्या मुझे सीक्रेट हाउस जाना चाहिए? मुझे बुलाने का मकसद क्या समझो?
तुम्हारे लिए एक काम था। मुझसे फोन में भी तो बात कर सकते थे। मैं तुम्हें ये आमने सामने ऑफर करना चाहता था। कि ये जानते हुए भी तुम्हें ये पर्सनल लगे, क्या तुम 2 करोड़ के लिए रोमन को मार सकते हो? विल्सन! जोनस, अरे तू यहाँ क्यों आया? अरे तुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। तू मुझे क्या करने पे मजबूर कर दिया? सब तेरी गलती है, तेरी। अब रोमन हमें नहीं छोड़ेगा, वो बहुत खतरनाक है, वो मार देगा हमको। तू जा 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 यहाँ से निकल। ये सब ने मुझे इन्वॉल्व मत कर, तू निकल जा, भाग जा यहाँ से, जा भाग। तुम उसके बहुत करीब थे। ये ऑफर सिर्फ क्या मेरे लिए? नहीं, ये खुला ऑफर है, इस मामले को जल्दी निपटाना होगा। विल्सन, पागल जैसे बात मत कर, क्या रोमन से तुझे डर लगता है? तू ये सब मुझे मत बोल, तू सब जानता है। मैं तुम्हारा सारा डिस्कशन सुन चुका हूँ छुप के। मुझे अभी जिंदगी जीना है, मुझे नहीं पढ़ना है सब तेरे लफड़े में। तू जा यहाँ से, तू भाग जा यहाँ से, तू यहाँ से निकल। ये तुम्हारा एडवांस है। विल्सन, मुझ पे भरोसा रख, वो अकेला है। क्या हम दोनों मिलकर उसे मार नहीं सकते? तुझे हमारा दोस्ती का वास्ता। वो बहुत खतरनाक है, उसके बारे में मैं पहले से जानता हूँ। समझने की कोशिश कर। समझो, काम हो गया। छोड़, तू इतना फोर्स कर रहा है तो एक बार तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ। चल आ, रोमन को हम दोनों मिल के मारते हैं। उसे ऐसे मारो कि किसी को पता ना चले एक मर्डर है।